हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राम मंदिर का निर्माण सपना पूरा होने जैसा, देवल। रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल ने आज 5 अगस्त को अपने जन्मदिन के मौके पर बोटेश्वर महादेव मंदिर कार्लू में अयोध्या में होने वाले श्री राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम के निर्विघ्न संपन्न होने, श्रावण मास की पूजा पूरी होने एवं जन्मदिन कार्यक्रम को लेकर विधि विधान से पंडित आचार्य दिनेश जी, श्री माली एवं अन्य ब्राह्मणों के सानिध्य में पूजा अर्चना संपन्न की। विधायक देवल ने पूजा अर्चना कार्यक्रम के बाद कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी आज अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य एवं दिव्य मंदिर के निर्माण की भूमि पूजन एवं शिलान्यास करेंगे। ये प्रत्येक देवासी के जीवन का सबसे बड़ा सुखद पल होगा। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रति जन जन के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम का अयोध्या में भव्य एवं दिव्य मंदिर बने, इसके लिए हिंदू समाज ने 500 सालों तक लड़ाई लड़ी और आखिरकार में 9 नवंबर 2019 को जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने श्री राम लला के पक्ष में निर्णय दिया था तो हर भारतीय का सपना साकार हो गया था और उसी दिन से सबने मंदिर निर्माण की प्रतीक्षा करनी शुरू कर दी थी। आज प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन और शिलान्यास करके इस इंतजार को भी समाप्त कर दिया। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि अखिल ब्रह्मांड के स्वामी प्रभु श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास मेरे जन्मदिन की तारीख 5 अगस्त को हुआ है। आज ही के दिन 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 और अनुच्छेद 35A को समाप्त किया गया था। प्रधानमंत्री जी ने मेरे जन्मदिन की तारीख को ऐतिहासिक बना दिया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। विधायक देवल के साथ इस पूजा अर्चना के कार्यक्रम में उनके बड़े भाई ओम सिंह देवल, ईश्वर सिंह देवल, भतीजे जितेंद्र सिंह देवल, महिपाल सिंह देवल, लक्ष्मण सिंह देवल एवं पुत्र हेमेंद्र सिंह देवल भी उपस्थित रहे। जागरूक टीवी के लिए रानीवाड़ा से खास रिपोर्ट।